मतलब बहुत अच्छा माहौल था सेट पे, और सब हंस खेल रहे थे, और साथ में हमारी बातचीत हुई है मेरी और तुनिशा की, और उसने काफ़ी रील्स वीडियोस टाइप का फ़ोन में बनाया है। बस इतनी सी बात है, उसने बोला कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। शेजान और मेरी दोस्ती 2021 से है, जब हम लोगों ने सीरियल स्टार्ट किया था अपना अपना आजाद चैनल के लिए। तो शेजान वहाँ पे पवित्रा सीरियल करता था, उसका हीरो था, मैं लवबंती का हीरो था, और 8 o'clock प्राइम टाइम पे मेरा आता था। उसके जस्ट जैसे ही मेरा ख़त्म होता था, शेजान का आता था, और हम तब से दोस्त बने, और हम एक साथ वर्कआउट करते थे जिम में, और हम जिम बडीज बने। और यार वो बंदा कमाल का है, और उसका नेचर, उसकी जो फितरत है और जो उसका स्वभाव है, वो बहुत ही कमाल का है। तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है, इस बात का बहुत दुख है कि उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जितना मैं उसको जानता हूँ, जितने करीब से, वो बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो ड्रग्स लेगा, या वो बंदा किसी को थप्पड़ मार देगा, या वो बंदा किसी को ऐसे चीट करेगा, या वो बंदा किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव करेगा, या किसी को इतना प्रवोक कर देगा कि कोई इंसान सुसाइड कर ले। उसका नेचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही शांत स्वभाव का है, हंसमुख है। जब भी आप उससे मिलेंगे, वो आपको बहुत ही अच्छे से स्वागत करता है आपका, और जो जो भी है वो बंदा दिल से है। और उसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसी झोल वाली बात है, या कोई भी ऐसी बात है जिसपे आपको एक बार को संकोच हो। कभी आपकी जिक्र हुई उनसे कि मैं तुनिशा के साथ रिलेशन में हूँ, हम लोग डेट कर रहे हैं, शादी के बारे में कभी आपकी बात हुई थी कि ही वॉज सपोज टू गेट मैरिड, एनीथिंग दैट ही हैव डिस्कस विद यू ओवर द रिलेशन? नहीं, ऐसी बातें हमारी नहीं हुई कभी। बट मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है, अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तो बट ऑब्वियस है कि शेजान जो बंदा है वो बहुत केयरिंग बंदा है। अगर वो आपका दोस्त है, आपका मित्र है, और या आप उसके करीबी हो, तो आपकी बहुत केयर करेगा। तो अगर वो तनिषा के साथ था, तो डेफिनेटली वो उसकी बहुत केयर करता होगा, और वो कभी उसको चोट नहीं पहुंचा सकता, कभी उसको वो दुख नहीं दे सकता। ऐसा वो शेजान का नेचर है, ऐसा वो बंदा है एक्चुअली में। मुझे 24 तारीख को जैसी ये घटना घटित हुई, उसके ठीक थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला, क्योंकि सेम प्रोडक्शन हाउस का एक ऑडिशन चल रहा था, जिस ऑडिशन पे मैं था, जिसका अली बाबा आता है पेनिनसुला, और मैं उसी ऑफिस में मेरा लुक टेस्ट चल रहा था। और मैं वहाँ से जैसे ही नीचे उतरा हूँ, पार्किंग लॉट में पहुँचा हूँ, मुझे उस वक्त ये न्यूज़ मिली है, और मैं उसी वक्त वहाँ से वसई के लिए निकला हूँ, शिजान के पास जाने के लिए। फिर अब क्या हुआ कि शिजान वहाँ था, आपकी जब बातचीत मैं हुई? गया वहाँ, शिजान बहुत ही बुरी हालत में था, और मैंने उस व्यक्ति को, उस बंदे को, उस कंडीशन में कभी नहीं देखा, और मैं सोच भी नहीं सकता कि उसकी ऐसी हालत होगी कभी, क्योंकि वो बहुत ही बिखर चुका था, टूटा हुआ था इंसान। आंखें उसकी सूज चुकी थी रो रो के, उसकी आवाज़ जा चुकी थी। वो शायद हॉस्पिटल में इतना चिल्लाया है, इतना रोया है, और दिल फट के रोया है एकदम। डॉक्टर से बार बार वो बोल यही बोल रहा था, प्लीज़ जो भी हो, जैसे भी हो, आप तुनिशा को बचा लो। और वही शिजानी था जिस जो साथ में उसके एक दो लोग और थे, जो सेट से तुनिशा को हॉस्पिटल तक लेके गए। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, और शेजान अपने सेम उसी कॉस्ट्यूम में था जिसमें वो अपना अली बाबा सीरियल शूट करता है। और वो देख के मेरे को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि वो बंदा नहीं है जिससे मैं कुछ घंटे पहले या एक दिन पहले रात को मैं उससे मिला हूँ। आपकी किस तरह की बातचीत हुई? क्या कुछ उन्होंने बताया आपको कि क्या किस तरह से कार्रवाई हो रही है, और किस तरह की आपने कुछ प्रश्न पूछे रहेंगे उनसे मैंने क्या कुछ? देखिए, उस वक्त तो क्या कार्रवाई हो रही, क्या नहीं हो रही है, उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि जो हो रहा था वो एक हमारे लिए शॉकिंग था, जो हुआ वो भी शॉकिंग था, और जिस तरीके से मतलब उसका माइंडसेट था और मेंटल हेल्थ थी, वो शिजान की उस वक्त में सही नहीं थी। तो ज़्यादा कुछ तो बात नहीं हुई, मगर उसने इतना ज़रूर कहा कि बाबा आज तो
मतलब बहुत अच्छा माहौल था सेट पे, और सब हंस खेल रहे थे, और साथ में हमारी बातचीत हुई है मेरी और तुनिशा की, और उसने काफ़ी रील्स वीडियोस टाइप का फ़ोन में बनाया है जो कि वो स्टोरीज पे पुट करने वाली थी इंस्टाग्राम पे, और बस इतनी सी बात है। उसने बोला कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा।